जहां एक बार फिर से सूबे की सियासत में छाए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। दिग्विजय सिंह ने कथा वाचन में पीएम मोदी के जिक्र पर सवाल उठाए। रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया, दिग्विजय सिंह से पूछकर क्या कथावाचक अब कथा करेंगे। रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है, एक बार फिर से प्रदीप मिश्रा छाए हुए हैं कथावाचक के दौरान, दिग्विजय सिंह से पूछकर क्या कथावाचक करेंगे। एक बार फिर से सूबे की सियासत में पंडित प्रदीप मिश्रा छाए हुए हैं। ये पंडित प्रदीप मिश्रा वही हैं जिन्होंने एक बार दावा भी किया था कि अगर आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो आप बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगा दीजिए, उसके बाद बच्चे का हाथ लगाकर पत्ती को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। तो एक बार फिर से सूबे की सियासत में पंडित प्रदीप मिश्रा छाए हुए हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लेकर दिग्विजय सिंह ने कथावाचन में पीएम मोदी के जिक्र पर सवाल उठा दिए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अब कथा वाचन के दौरान क्या पूछकर ही कथा वाचन करेंगे पंडित। और मुख्य